हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हम अब थोड़ा सा और प्रोसीड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट थियरम है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब सपोज अगर मैं ये ट्राइंगल ले लेती हूँ, सो ये ए बी और सी आइसोस्केलेस ट्राइंगल, मतलब क्या टू साइड्स इक्वल हो, तो मतलब ये और ये दोनों इक्वल है, तो ये साइड का अपोजिट एंगल और ये साइड का अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा अगर मैं लॉजिकली कैसे याद रखते हैं, अगर ओरली आपको करना है तो कैसे करोगे, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो ए और ए सेम है तो उसको कंसिडर मत करो, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। राइट, आप इस तरीके से आइसोस्केलेस ट्राइंगल को कर सकते हो। फिर थियरम नंबर 7.3 क्या है, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब कि अगर ये वाइस वर्सा, अगर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी दिया हुआ है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ओके फाइन, चले सो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट सम है इन एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया है ए बी सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब अभी लेबलिंग थोड़ा सा बाकी है। सो ये ए और ये बी ले लो, ये सी ले लो। सो मतलब कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या है, दैट बी इज इक्वल टू सी। राइट, बाय थियरम। नाउ द बाइसेक्टर्स ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब कि बाइसेक्टर मतलब कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। जॉइन ए एट ओ, ये ओ है। राइट, शो डैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब कि ये ट्राइंगल लेना है और ए ओ बाइसेक्स ए। ए ओ बाइसेक्स ए मतलब क्या है कि दिस इक्वल्स टू दिस हमें प्रूव करना पड़ेगा, मतलब कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, तो उस हिसाब से आप ट्राइंगल ले लेना। ठीक है, तो मैं तो ये बी ओ ए और सी ओ ए ही लूँगी ताकि ए आ जाए उसके बीच में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी के लिए हम पहले तो इन ट्राइंगल ए पी सी हमारे पास है क्या, डेट ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, यहाँ पे मैं तो ऐसा लिख रही हूँ बाय थियरम, वरना तो आपको पूरा स्टेटमेंट ही लिखना होता है। ठीक है, तो मैं हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी। ठीक है, सो हाफ एंगल बी क्या है, तो एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ठीक है, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। राइट, ठीक है, तो आ गया और एंगल इक्वल है तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ भी क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ही लिख देंगे दैट साइड ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अगर हैंडराइटिंग में समझ में नहीं आए तो मैं बोल भी रही हूँ तो मैच हो जाएगा आपको। सेकंड है, सेकंड अब हमें प्रूव करना है दैट ए ओ बाइसेक्ट ए, और बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हमको दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ। ओके, सो ऑब्वियसली ए बी इज इक्वल टू ए सी है और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, ये हमें दिया गया है और ये हमने अभी प्रूव किया है। राइट, सो ऑब्वियसली ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी ए। ठीक है, क्यों, बिकॉज हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। तो यूजिंग एस ए एस क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ओ। राइट, अब ये ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सी पी सी टी ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी हो गया। ठीक है, कैसे, बाय सी पी सी टी।
ठीक है. सो दैट इंप्लाइज व्हाट? दैट इंप्लाइज एओ बाइसेक्स एंगल ए, हेंस प्रूव्ड. इन ट्राइंगल ए बी सी, एडी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी. शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, बहुत ही ईजी है. देखो ए डी क्या है? बाइसेक्टर है. मतलब ये ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करने का? दो ट्राइंगल्स जहाँ पे ए बी और ए सी आता है, मतलब कि ए बी डी, मतलब कि ये ट्राइंगल ले लो आप, ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लो, तो बाई सी पी सी टी आपका आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, और हैंस ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है. ठीक है, तो मतलब आपको थिंकिंग है ना ऐसे डेवलप करनी पड़ेगी और ऐसा सोचना पड़ेगा, राइट. तो चलिए सबसे पहले क्या होगा, डेट ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है, एंड बी डी इज इक्वल टू वॉट? सी डी. नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, एक तो पहले ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों? कॉमन. ठीक है, फिर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री, बिकॉज ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, राइट. और ये है बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये तो हमने ऑलरेडी पहले प्रूव कर दिया, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर दिया है. ओके, सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय एस ए एस क्राइटेरिया, फाइन. सो हैंस बाय सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट. दस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. फाइन, चलिए थर्ड. ABC is an isosceles triangle in which altitudes B and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. मतलब कि ये और ये इक्वल है, ठीक है. शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब कि हमें B और CF इक्वल्स करना है. मतलब दो ट्राइंगल ऐसे लेने हैं जहाँ पे B और CF वाली साइड्स आती हो, ठीक है. तो मतलब कि BEC ले लो और BFC ले लो, फाइन. लेकिन उसके पहले जो दिया है उसका थोड़ा सा हम प्रूव कर लेंगे. जैसे देखिए, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल. ठीक है, सो आइसोस्केलेस है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, और एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी हुआ, ठीक है, बाय थियरम. सो नाउ इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल बी एफ सी, एंगल ई बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी, ये हमने ऑलरेडी अभी प्रूफ किया, ठीक है. फिर बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये क्या है? ये भी कॉमन साइड है. एंड एंगल बी ई सी इक्वल्स टू एंगल सी एफ बी, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये रीजंस लिखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो ट्राइंगल बी ई सी इज इक्वल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ सी, ठीक है, यूजिंग ए एस ए क्राइटेरिया, फाइन. सो बाय सी पी सी टी जो प्रूफ करना है वो भूल नहीं जाना है, ठीक है. सो बाय सी पी सी टी बी ई इक्वल्स टू सी एफ, हैंस प्रूफ्ड. ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच अल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड ए सी एंड बी ई आर इक्वल, ठीक है. शो दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी,
ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली अगर हम ये कांग्रेस प्रूव कर लेंगे तो दूसरा जो नंबर है वो तो सीपीसीटी से ही आ जाएगा, राइट? सो सबसे पहले ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ ए एफ सी, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये इक्वल्स टू 90 डिग्री है, ठीक है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंगल है, ठीक है? फिर बी ई इज इक्वल टू सी एफ, क्यों? बिकॉज इट इज गिवन ऑलरेडी, ठीक है? सो ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, राइट? कौन सा क्राइटेरिया आ गया इसके अंदर? ए ए एस क्राइटेरिया, फाइन? सो ये हो गया। सो सेकेंड पार्ट कैसे होगा? सेकेंड पार्ट होगा, सिंस बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है? हो गया। मतलब अगर सपोज सेकेंड पार्ट पूछा है तो आपको फर्स्ट पार्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इतना लिख दो, तो आपको ये कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।